नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के बीच सपा बड़ी बढ़त के साथ सामने आ रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन का किला मजबूत होता जा रहा है। शुरुआती रुझानों पर गौर करें तो पूर्वांचल में सपा आगे बढ़ती जा रही है। सपा के आंकड़े जीत की ओर बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि पूर्वांचल की 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अच्छी बढ़त बना ली है। उधर सपा की बढ़त से उत्साहित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगा दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सपा की बढ़त देखकर बौखला गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में इंटरनेट सेवा बंद की जा सकती है। उन्होंने इंटरनेट सेवा बंद होने की आशंका के चलते अपने सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं से मतगणना स्थल पर डटे रहने की अपील की है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए लिखा, हमको मिलकर लानी है सच की एक आजादी, हम सबके हक की। सजग, सतर्क, सचेत, सावधान रहते हुए मतगणना पर निगरानी रखें और पूरी तरह चौकन्ने रहें। जनता को जितना वोट देने का अधिकार है, उतना ही अपने वोट की रक्षा का भी। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि किन किन सीटों पर सपा का रुझान देखने को मिल रहा है। तो यूपी की अंबेडकर नगर, लालगंज, घोसी, गाजीपुर, मछली शहर, चंदौली, सलेमपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज और संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी ने अच्छी बढ़त बना ली है। ऐसे में सपा का पूर्वांचल में बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल नतीजों का अभी भी इंतजार है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।